हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिविकास बायोलॉजी टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स बाय रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन देन वाटर पासेस टू डीपर लेयर बाय टू पाथवे एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट रूट हेयर्स डिफ्यूजन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं देन वाटर पासिस टू डीपर लेयर बाय टू पाथवे फर्स्ट एपोप्लास्ट सेकेंड सिम्प्लास्ट इन एपोप्लास्ट नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज सच एज सेल्वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेसिस वाइल्ड इन सिम्प्लास्ट लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज सच एज प्रोटोप्लास्ट विच इज कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को आपस में कनेक्ट करता है इन एपोप्लास्ट लिटल रेजिस्टेंस इन मूवमेंट ऑफ वॉटर वाइल इन सिम्प्लास्ट सम रेजिस्टेंस इन मूवमेंट ऑफ वॉटर इट इज फास्टर एंड इट इज स्लोअर मेटाबोलिक स्टेट ऑफ रूट डज नॉट अफेक्ट एपोप्लास्ट पाथवे वाइल टाबोलिक स्टेट ऑफ रूट डायरेक्टली अफेक्टेड द दिप्लास्ट पाथवे प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द वॉटर एपोप्लास्ट के थ्रू फ्लो करता है क्योंकि क्रॉटिकल सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं और दे आर नो रेजिस्टेंस टू वॉटर मूवमेंट और वॉटर के लिए कॉर्टिकल सेल्स में क्या है नो रेजिस्टेंस दिस इज द डायग्राम विच शो द पाथवे ऑफ वॉटर मूवमेंट इन द प्लांट फर्स्ट एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, आफ्टर दिस एंडोडर्मिस इन एंडोडर्मिस कैसप्रेन स्ट्रिप इज प्रेजेंट आफ्टर दैट एंडोडर्मिस पेरिसाइकल इज प्रेजेंट वॉटर मूव फ्रॉम एपिडर्मिस दैन कॉर्टेक्स देन एंडोडर्मिस दैन पेरिसाइकल आफ्टर द पेरिसाइकल इट एंटर्स इन टू दर्टिक्स में उसके बाद एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकल उसके बाद वॉटर जाइलम में पहुंच जाता है एंडोडर्मिस के पास कैस्ट्रियन स्ट्रिप है जिसकी वजह से वॉटर मूवमेंट नहीं हो पाता है एंडोडर्मिस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो हम देखते हैं कि वाटर मूव कर रहा है जब एपिडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक तो वो कैसे कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंडोडर्मिस में आकर के वो प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है और ये क्या है प्लाज्मोडेस्मेटा प्लाज्मोडेस्मेटा क्या कर रहे हैं दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं देन वाटर पेरिसाइकल में आने के बाद जाइलम में चला गया ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे बिकॉज ऑफ कैस्प्रियन स्ट्रिप द इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वॉटर कैसप्रियन स्ट्रिप की प्रेजेंस के कारण कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस की जो इनर बाउंड्री है वो वॉटर के लिए कैसी है इम्परवियस वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द रूट टू रीच टिश्यू। द वॉटर मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सिंप्लास्टिक इन एंडोडर्मिस ऑफ रूट एंडोडर्मिस में कैसा है वाटर का मूवमेंट सिम्प्लास्टिक वंस रीचेज टू जयलम जब एक बार वॉटर जायलम टिश्यू में पहुंच गया है वॉटर इज फ्री टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू द सेल अब वॉटर फ्री है किसी भी तरीके की मूवमेंट करने के लिए टू द पोर और द स्टोमेटल अपर्चर द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड इलास्टिक पोर की तरफ गार्ड सेल की जो इनर वॉल है वो थिक और इलास्टिक होती है वेन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज इट देन थिन आउटर वॉल बल्ज आउट इट फोर्सेज इनर वॉल्स इंटू क्रेशन शेप गार्ड सेल की जब ट्रजिटिटी इंक्रीज हो जाती है तो आउटर वॉल क्या होती है बल्ज आउट हो जाती है और इनर वॉल को फोर्स करती है क्रेशन शेप में आने के लिए विच कॉजिज सेल्यूलोर्स माइक्रोफाइब्रिल्स रेडियली अरेज जिसकी वजह से क्या होता है जो सेल्युल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो रेडियली अरेंज हो जाते हैं जिसके कारण से स्टोमेटा ओपन हो जाता है सेकेंड वेन गार्ड से लूज डू टू लॉस ऑफ वाटर जब वाटर का लॉस होता है तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं अपनी टर्जिटी लॉस कर देते हैं जिसके कारण से जो इलास्टिक इनर वॉल है वो रीगेन कर लेती है अपना ओरिजिनल शेप then, बिकम लीव का पे क्या है ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा वायलिन मोनोकोट लिवस बायोलेट्रल दोनों ही साइड पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाई सेचर लाइट ह्यूमिडिटी विंड स्पीड स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट दिस ट्रांसपिरेशन ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉटर हम कहते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है असेंट ऑफ जाइलम सैप जाइलम क्या करता है वॉटर की मूवमेंट करता है पीछे हमने यही पढ़ा था अभी वॉटर मूवमेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ वॉटर मूवमेंट एसेंट ऑफ सैप ट्रांसपीरेशन जो ड्राइवन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जाइलम को वो क्यों वो इस कारण से प्रोवाइड कर पा रहा है दीज थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल वॉटर मॉलिक्यूल की इन तीन फिजिकल वॉटर की इन तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण ट्रांसपीरेशन जाइलम को ड्राइवन फोर्स प्रोवाइड कर पा रहा है तो पहला जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की वो है कोहेसन कोहेसन में क्या आ रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच की खुद की ही म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है कोहेसन फोर्स देनेशन एडेशन में क्या है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सर्फेस वॉटर मॉलिक्यूल का किसी दूसरे पोलर सर्फेस पे अट्रैक्ट होना सर्फेस टेंशन में क्या है वॉटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेस मोर देन वॉटर इन गैस फेस इट मीन्स अगर वॉटर को लिक्विड फेस में रखेंगे तो वो आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू इफ वॉटर इज प्लेस्ड इन गैस फेस अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज क्या क्या बढ़ा देती है दे हाई द टेंसिल टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो गिव हाई कैपुलरिटी टीज गिव वॉटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपलेरिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है एबिलिटी टू रिजिस्ट अग फोर्स वॉटर की एबिलिटी जो वो पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा है यही क्या है वॉटर की टेंसाइल स्ट्रेंथ अब दूसरा क्या है ये ये जो प्रॉपर्टीज है वॉटर का क्या बढ़ा रही है हाई कैपेलैरिटीज यानी एबिलिटी टू राइज इन अ थिंस ट्यूब हाई कैपेरिटी के कारण ही थिट्यूब में वॉटर राइज कर पा रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथिस रिक्वायर्स वॉटर फोटोसिथिस क्या चाहिए water. ये water कौन प्रोवाइड करता है इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वॉटर जैसे ही स्ट्रोमेटा से वॉटर इवोपरेट होता है यह वॉटर को पुल करता है कैसे पुल करता है जायलम से लीफ की तरफ अब एटमोसफियर में तो क्या है अभी जो पुलिंग फोर्स है वो कैसे जनरेट हो रही है एटमोसफियर में क्या है लो कंसेंट्रेशन है वॉटर वेपर का वाइल्व जो सब इंस्ट्रोमेंटल कैविटी है और इंटरसेलर स्पेस है वहां पे क्या है वॉटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो अब जो फ्लो होगा वो कैसे होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और यही डिफरेंस है जो वॉटर वेपर का वो क्रिएट करता है पुल ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस आ कॉम्प्रोमाइज ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन दम ऑफ वॉटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपीरेशन क्या है लॉस ऑफ वॉटर वॉटर वेपर की फॉर्म में कहा से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपीरेशन वॉटर लॉस के अलावा कुछ और भी काम करते हैं जैसे इट क्रिएट्स ट्रांसपरेशनल पुल फॉर एब्जॉर्बशन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इट सप्लाइड वॉटर फॉर फोटोसिंथिस ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड सॉल्ट फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कूल द साइज एंड मेंटेन शेप एंड साइज नेक्स्ट टॉपिक है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो पहले हम देखेंगे अपटेक ऑफ मिनरल आयंस जब वो अपटेक कर लेगा रूट के पास उसके बाद क्या होगा उस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं अपटेक

न नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्रेन सेकेंड जो पॉइंट है जिसके कारण से यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन इन रूट जो सॉइल में मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और रूट में जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट कोई ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हमें एटीपी की जरूरत होती है एक्टिव एब्सॉर्शन नीड्स एनर्जी इन दम ऑफ एटीपी एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द रूट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है रूट के अंदर वॉटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को जनरेट करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एपिडर्मल सेल एपिडर्मल सेल्स के जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो क्या कंट्रोल करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूट एंड क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एपिड सेल आर कंट्रोल पॉइंट वेर क्वान्टिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट दैट रीच दस्टेड अब अपटेक हो गया अब क्या होगा मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस द आय दैट रीचेज टू जयलम अब आय जयलम तक पहुंच गए हैं बाई एक्टिव और पैसि ट्रांसपोर्ट मूव फर्दर अपवर्ड अलोंग विद ट्रांसपीरेशनल पुल मिनरल जाइलम तक पहुंच गए हैं अब वो क्या करेंगे अपवर्ड मूव करेंगे द चीफ सिंक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट और एलिमेंट्स आर ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक अपाइकल मेरिस्टम यंग लीव्स ग्रोइंग फ्लावर फ्रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन यंग लीव्स अपाइकल मेरिस्टम स्टोरेज ऑर्गन ग्रोइंग फ्लावर्स दे रिक्वायर्स द मोर मिनरल एलिमेंट्स मिनरल्स आर फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज रिमोबिलाइज्ड मीन्स ओल्डर पार्ट डेड होने से पहले अपने सारे मिनरल्स यंग ग्रोइंग पार्ट को दे देते हैं सपोज एक लीव है वो टूटने से पहले गिरने से पहले अपने सारे न्यूट्रिय दूसरी न्यू लीफ और ग्रोइंग लीफ को दे देगी द एलिमेंट मोस्ट रेडिली मोबिलाईज इनक्लूड फोस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ये जो मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं वो ज्यादा मोबिलाइज होते हैं फोस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम द एलिमेंट लाइक कैल्शियम इज नॉट मोबिलाइज एज इट इज द स्ट्रक्चुरंट ऑफ द प्लांट बॉडी अब नेक्स्ट है कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होता क्योंकि वो खुद ही प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चुरंट है नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक फूड क्या है सुक्रो से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है के थ्रू कहां से कहां तक सोर्स से सिंक तक सोर्स क्या है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फूड प्रिपेयर हो रहा है सिंक क्या है जहां पे फूड स्टोर होता है या यूज हो रहा है अब ये सोर्स और सिंक चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन और प्लांट नीड इसीलिए क्या कहा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोइम इज बाई डायरेक्शनल वाई इन जयलम मूवमेंट इज यूनिड फ्लोइंग वॉटर एंड सुक्रोज, बट अदर शुगर हॉर्मोन्स एंड अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो ट्रांसलोकेट थ्रू इट फ्लोइंग सैप क्या करता है ज्यादा से ज्यादा सुक्रोज और वॉटर को ट्रांसपोर्ट करता है बट ये शुगर हॉर्मोन्स और अमाइनो एसिड को भी ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है टॉपिक तो है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथिस दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक से सिंक तक शुगर के ट्रांसपोर्ट की ये सबसे एक्सेप्टेड हाइपोथिस और थियरी है ग्लूकोज इज प्रिपेड एट द सोर्स ऑफ फोटोसिंथिस फोटोसिंथिस हुआ ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया

फ्लोइम पर पहुंचने पर क्या जनरेट हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इन द फ्लोइम जो फैसिलिटेट क्या कर रहा है मास मूवमेंट ऑफ द ट्यूब सेल ऑफ द फ्लोइंग लॉन्ग कॉलम विद द होल इन दर वॉल कॉल्ड सीव प्लेट सीव ट्यूब होल के साथ मिलकर के एक लॉन्ग कॉलम रेडी कर रहे हैं जिसे कहते हैं सीव प्लेट्स देन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास थ्रू द होल इन दीव प्लेट्स उसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन सीव प्लेट के होल से पास करके क्या बना रहे हैं एक कंटिन्यूस फिलामेंट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड इन सीव ट्यूब सेल्स मूव द सैप इन द फ्लोइम अब क्या हो रहा है सीव ट्यूब के अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है सेप इन द फ्लोइम यानी फ्लोइम में ट्रांसलोकेशन हो रही है मूवमेंट हो रही है एट सिंक इनकमिंग सोर्स एक्टिवली मूव आउट ऑफ द फ्लोइम एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स द लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस अ हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोइम एंड वाटर पासिस आउट एंड रिटर्निंग इन टू जाइलम लॉस ऑफ सोल्यूट सॉल के कारण क्या हो रहा है हाई वाटर पोटेंशियल जनरेट होता है फ्लोइम के अंदर and water passes out and returning into xylem to prove this experiment a small experiment done which is known as girdling experiment this experiment is used to identify the tissue which is used in the food transportation food transport karne mein kon kon se tissue hamare tissue इन्वॉल्व हो रहे हैं इसको prove करने के लिए identify करने के लिए एक experiment किया गया जिसे कहते हैं हम Girdling experiment. This chapter is completed. Thank you, thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please, please like and subscribe my channel. Thank you, thank you for watching.